नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सरकार से संसद में प्रस्तुत कल बजट पर सैद्धांतिक छलफल जारी। छलफल में सांसद सब अपन अपन धारणा रख रहे हैं। पोखरा महानगर में आज कार्यपालिका के पूर्णता मिल रहा। पोखरा के नगरसभा में एमाले के एकल बहुमत। मौसम संबंधी पूर्व सूचना प्रणाली के आधार में विमान उड़ान करेला विज्ञ के आग्रह। विमानस्थल से मौसम संबंधी अनुमति लेके ही उड़ान कर सके के निर्णय। रूस यूक्रेन युद्ध के क्रम में 15,000 से ज्यादा युद्ध अपराध कैल। रूस पर यूक्रेन के आरोप, दैनिक 200 से 300 तक युद्ध अपराध बढ़ रहा दावी। आ स्पेनिश राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश। अब पूरा समाचार। पूर्व अर्थमंत्री तथा नेकपा एमाले के सांसद सुरेंद्र पांडे वृद्ध भत्ता एमाले के ब्रांड भइल दावी कैले बानी। बुध के बैठल प्रतिनिधि सभा बैठक में बजट पर के सैद्धांतिक छलफल में सांसद पांडे वृद्ध भत्ता एमाले के ब्रांडिंग भइला से बजट से वृद्ध भत्ता के उम्र घटावला पर भी ओकर फायदा गठबंधन के ना होके के दावी समेत कैनी। जनयुद्ध में और राष्ट्रीय मेलमिलाप में एमाले के दावी ना पुगल जैसन वृद्ध भत्ता में दूसरे के दावी ना पुगे के वहाँ के कहना रहे। सरकार से लियाल बजट में देश के आर्थिक संकट के ध्यान ना देहल टिप्पणी करत सांसद पांडे बजट बनावला पर अर्थमंत्री से चुनाव मात्रे देखल जिक्र कैनी। सांसद पांडे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट बढ़े पर में और घटल कहत सरकार के आलोचना समेत कैले बानी। वैसे ही नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद शक्ति बस्नेत बजट से सब क्षेत्र वर्ग और समुदाय में उत्साह थपेवाला हिसाब से संतुलित कायम कैल बतौले बानी। वहाँ के बजट के हरेक बुदा में प्रश्न और शंका करे के उपयुक्त ना भइल कहत परिणाम तकले धैर्य कर पड़े के बतौनी। वैसे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन देश के आर्थिक संकट और मूल्य वृद्धि रोके तरफ से भी परंपरागत वितरणमुखी और निर्वाचन केन्द्रित बजट आइल कह के बतौले बानी। वहाँ के हेटौड़ा कपड़ा उद्योग के कपड़ा लिया के कह के बजट में कहला पर भी उत्पादन होखे वाला ठेगान ना रहल बतौले बानी। साथ ही वहाँ के गरीब के इंडक्शन चूल्हो बाड़े के कहला पर भी ऊ कमीशन बाहेक और कुछ ना भइल टिप्पणी समेत कैनी। राष्ट्रीय जनमोर्चा के सांसद दुर्गा पौडेल महिला ऊपर के बलात्कार हिंसा के कार्रवाई के जल्दी से जल्दी टुंग्याव खातिर पारिवारिक और फास्ट ट्रैक अदालत गठन करे पड़े के और ओकरा खातिर बजट में रकम विनियोजन होके पड़े के बतौनी। पोखरा महानगर के कार्यपालिका आज पूर्णता पाव के भइल बाटे। मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय से बुध के कार्यपालिका के निर्वाचन तोकल गइल बाटे। संविधानत पोखरा के कार्यपालिका में 8 जने नया सदस्य थपाई, 5 जने महिला सदस्य और 3 जने दलित तथा अल्पसंख्यक समुदाय से सदस्य के रूप में निर्वाचित होके। ऊ सबके इससे पहले निर्वाचित भइल नगरसभा सदस्य सब मतदान करी। 30 बैसाख के निर्वाचन मुताबिक पोखरा के नगरसभा में एमाले के एकल बहुमत बाटे। 167 सदस्य मध्य एमाले के उपमेयर सहित 87 सदस्य बाटे। मेयर सहित गठबंधन के 81 जने मतदाता बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अब से विमानस्थल से मौसम संबंधी अनुमति लेके ही उड़ान कर सके के निर्णय कैले बा। जेठ 15 गते पोखरा से जुमसुम उड़ान कैल तारा एयर के विमान दुर्घटना भइला संगे ही प्राधिकरण ऐसा निर्णय कैलक हवे। इससे पहले मौसम संबंध के निर्णय विमानस्थल से लेव पड़े के कानूनी बाध्यता ना रहे। नेपाल नागरिक उड्डयन नियमावली 2058 के परिच्छेद 10 में ये अधिकार प्रमुख चालक के होके प्रावधान रहे, लेकिन अब चालक माथि के अधिकार विमानस्थल प्रमुख और वहाँ के टावर सबके देवे के निर्णय भइल प्राधिकरण के प्रवक्ता चंद्रलाल कर्ण बतौले बानी। वहाँ के VFR उड़ान के संदर्भ में इससे पहले प्रस्थान विमानस्थल और गंतव्य विमानस्थल सबके मौसम के आधार में उड़ान के अनुमति देवे के भइला पर भी अब प्रस्थान और गंतव्य तक के एयर रूट के मौसम सफा भइला पर ही उड़ान भर सके के व्यवस्था कैल वहाँ के बतौनी। सो मौसम को विचार गरेर संबंधित विमानस्थलहरू गंतव्य में जान दिने र नदिने भनेर अब यो अधिकार
विमान सरलाई चाहिँ दिएको चाहिन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन नियमावली 2058 को परिच्छेद 10 मा पहिले यो अधिकार पायलट इन कमान्ड भन्नाले प्रमुख चालकलाई हुन्थ्यो भने अब त्यो चालकमाथिको त्यो अधिकारलाई अब विमानस्थल प्रमुखहरू वा भनौँ न कि त्यहाँका टावरहरूलाई यो अधिकार दिएको चाहिन्छ। प्रवक्ता कर्ण नेपालके बहुते विमानस्थल सबमै जल तथा मौसम विज्ञान विभागके युनिट सब कार्यरत रहल और उ सब केही सुझावके आधारमे उडान भरेके स्पष्ट कैनी। अब आर्थिक समाचार। पछिल्ला समय वाणिज्य बैंक सबके कर्जा और निक्षेप दुनमे सुधार आउते गइल बाटे। वाणिज्य बैंक सब जेठ महीना के दोसरका हप्ता तकले निक्षेप और कर्जा लगानी दुनमे वृद्धि भइल बाटे। नेपाल बैंकर्स संघ जेठ 13 गते तक के विवरण सार्वजनिक करत निक्षेप में 13 अरब के वृद्धि भइल जनाउले बा। जेठ के पहिलका हप्ता 7 अरब से वृद्धि भइल निक्षेप, दोसरका हप्ता 6 अरब से बढ़ल हुए। वैशाख अंतिम हप्ता 43 खरब 70 अरब रहल निक्षेप, पिछलका यी अवधिमे 43 खरब 83 अरब पुगल बाटे। वैसेही कर्जा लगानी 7 अरब से वृद्धि भइल संघ जनाउले बा। वैशाख के अंत में 41 खरब 91 अरब रहल कर्जा लगानी अभिन 41 खरब 98 अरब पुगल बाटे। अभिन वाणिज्य बैंक सबके औसत सीडी रेशियो 90.41% रहल भी संघ जनाउले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन युद्ध के क्रम में रूस से 15,000 से ज्यादा युद्ध अपराध कैले यूक्रेन आरोप लगौले बा। दैनिक 200 से लेके 300 तक युद्ध अपराध थपा रहल यूक्रेन दावी कैले बा। विभिन्न देश के अभियोजनकर्ता सबसे कैले अध्ययन अनुसंधान के क्रम में संदिग्ध अपराधी सब के सूची में रूसी सेना राजनीतिज्ञ समावेश भइल मिलल बाटे। रूस युद्ध अपराध में अपन संलग्नता ना रहल और नागरिक के निशाना ना बनावल दावी करते आइल बा। 15,000 युद्ध अपराध मध्य 600 से ज्यादा संदिग्ध अपराधी के पहचान भइल समेत यूक्रेन के तर्क बाटे। 80 गो घटना विरुद्ध अभियोजन दर्ता कैल गइल बा। अब खेलकूद समाचार। शीर्ष वरीयता के सर्बियन नोवाक जोकोविच के हरावत पांचवा वरीयता के स्पेनिश राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कैले बाड़न। फ्रांस के पेरिस स्थित रोला गैलोरे में काल्हू राति भइल क्वार्टर फाइनल में स्पेन के नडाल चिरपरिचित प्रतिद्वंदी सर्बियन टेनिस खिलाड़ी जोकोविच के 3-1 के सेट में पराजित करत सेमीफाइनल में प्रवेश कैलन हवन। नडाल अब सेमीफाइनल में जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर भेरेव से प्रतिस्पर्धा करी हन। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। सरकार से संसद में प्रस्तुत कई बजट पर सैद्धांतिक छलफल जारी, छलफल में सांसद सब अपन अपन धारणा रख रहे हैं। पोखरा महानगर में आज कार्यपालिका के पूर्णता मिल रहल, पोखरा के नगर सभा में एमाले के एकल बहुमत। मौसम संबंधी पूर्व सूचना प्रणाली के आधार में विमान उड़ान करला बीके के आग्रह, विमानस्थल से मौसम संबंधी अनुमति लेके ही उड़ान कर सके के निर्णय। रूस यूक्रेन युद्ध के क्रम में 15,000 से ज्यादा युद्ध अपराध कैले रूस पर यूक्रेन के आरोप, दैनिक 200 से लेके 300 तक युद्ध अपराध बढ़ रहा दावी। आई स्पेनिश राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।